व्लॉग मेरे दिन भी लग गई। सो जो है क्या कहते हैं, अभी हम लोग जा रहे थे थोड़ा बहुत दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। घर का तो वैसे हो ही गया है, बस थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह रह गई है अंदर अंदर की करनी, तो उसके लिए मैं इनका वेट कर रही थी। मैंने कहा ये आएंगे तो ही हो पाएगी, मेरे से अकेले में वो नहीं हो पाएगा उसमें, क्योंकि एक जने का साथ चाहिए होता है। लास्ट ईयर मैं कर रही थी और जो है क्या कहते हैं, मैं अपना जो हमारा जो लेडर है ना उससे गिरते गिरते बची थी। तो जो है क्या कहते हैं, अभी हम लोग जो है जा रहे हैं सामान लेने के लिए जा रहे हैं। सो वहाँ पहुँच के उसके बाद मैं वहाँ का आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हम लोग जो है शॉपिंग करेंगे यहाँ से। अगर मिल गया टाइम तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। सो यहाँ पे ना हम लोग पहुँच गए थे और हमने यहाँ पे सामान वगैरह लिया अपना जो भी था, जो दिवाली के गिफ्ट वगैरह होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना अच्छा मतलब मिल जाता है। और किडीज़ एक ऐसा ब्रांड है ना, मतलब अगर इसके आप बिस्किट वगैरह नमकीन कुछ भी लेंगे ना, बहुत अच्छे होते हैं खाने में और मतलब बहुत ऑथेंटिक भी है। तो मुझे हमें तो मतलब काफ़ी टाइम से हम लोग यहाँ से लेते हैं, तो हमें बहुत सही लगता है यहाँ से। और मैं बच्चों के लिए भी, जैसे हम लोग बीच बीच में आते रहते हैं यहाँ से लेके जाते हैं, तो काफ़ी मतलब हर वेराइटी के आपको बेकरी के बिस्किट नमकीन वगैरह सब यहाँ पर मिल जाएंगी। और हमने यहाँ पर सामान ले लिया था, ये गाड़ी में रख रहे थे सारा सामान। तो ये मेरे से कह रहे थे कि जो है थोड़ा मेरी हेल्प कर दो भाई। और इससे पहले वैसे मैं इनके साथ काम करवा चुकी थी, क्योंकि मुझे सारे काम करने पड़ते हैं, खुद ही जो है वीडियो भी बनानी पड़ती है, उसके बाद जो है एडिटिंग भी मैं ही करती हूँ। सामने से ना जो है ट्रक जा रहा था काफ़ी बड़ा, तो मतलब बगल से सॉरी, तो मैंने सोचा कि जो है इसको जाने देते हैं, फिर आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखो आगे जो है क्या क्या होता है। क्योंकि काफ़ी जो है चीज़ें मतलब ही रह गई थी, क्योंकि वही होता है कि ये वहाँ से आए उसके बाद ही हम लोगों ने अपने सारे काम करे थे। सो अब हम लोग जो है वहाँ से निकल चुके थे। और तो अभी ये मुझसे कह रहे थे कि वैसे हम लोगों ने जो है किडीज़ में जो है वहीं पर ही ना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए भी बना हुआ है काफ़ी अच्छा, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वहाँ से कर लिया था। तो ये मेरे से बोल रहे थे कि तेरे को और भी कुछ खाना है, मैंने कहा नहीं बाबा अब कुछ नहीं खाना और अब सीधे घर चलो, क्योंकि बच्चों का टाइम हो रहा है। सो गाइस जो है आ गए हम लोग सामान लेके, और देख सकते हैं आप पीछे कितनी सारी शॉपिंग कर ली है हम लोगों ने। थोड़ा बहुत सामान तो गाड़ी में था, क्योंकि कुछ जो है हमने अपने वहीं से ले लिया था, फिर थोड़ा बहुत जो है हम जहाँ पे आए हैं सामान लेने के लिए वहाँ से हम लोगों ने लिया है अपना सामान जो है दिवाली के लिए। अकेले में जो है ना इतना ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो इसलिए मेरे लिए अकेले में पॉसिबल नहीं था। और वैसे भी हम थोड़ा सा मतलब दूर आए, नोएडा की तरफ को आए हैं जहाँ पे इनका पहले मतलब ऑफिस था, वहीं पर ही आए हुए हैं। जब से ये गए हैं ना मतलब देहरादून, तो हमें ना बहुत प्रॉब्लम होती है हर चीज़ में जो है, मतलब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, जैसे अभी क्या है दिवाली है, तो इस टाइम पर ना बड़ी दिक्कत होती है। दिवाली का त्यौहार ऐसा होता है कि सब घर में आते हैं वो होता है, और अभी देखो सब घर में आ रहे होंगे और मैं भी घर के बाहर हूँ जो है, तो फिर वो भी बड़ा अजीब सा हो जाता है कि घर में अगर कोई आ गया फिर हम लोग नहीं मिलते हैं, तो फिर वो बड़ा अजीब सा लगता है। और शुभ संकेत को लाने का टाइम भी हो रहा है, टाइम कितना हो गया, 12:30 इनका टाइम भी होने वाला है, मतलब वही इनके स्कूल के टाइम तक ही हम लोग पहुँचेंगे भी घर। फिर उसके बाद मेरे ट्यूशन के बच्चे, मतलब पूरा दिन ऐसा निकलता है ना कि बस पता ही नहीं लगता। सो गाइस यहाँ पे ना मैंने जो है ट्यूशन वाले जो बच्चे थे उनके लिए आज एक्टिविटी रखी हुई थी करने के लिए, तो मैंने इन सबसे बोला था कि ये सब जो है दिया डेकोरेट करेंगे। तो सारे बच्चे जो हैं दिया डेकोरेट कर रहे थे अपना अपना, और क्या कहते हैं काफ़ी बच्चों ने मतलब बहुत अच्छे दिए बनाए थे सारे बच्चों ने, मतलब कोई अपनी तरफ से इन्होंने कमी नहीं छोड़ी, जितना ये अच्छा कर सकते थे इन्होंने किया सब ने। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत साफ़ सफाई से काम किया था, बिल्कुल भी जो है जैसे मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो, मैंने कर्टेन वगैरह लगा रखी है गंदा करते, तो कुछ भी नहीं करा, बहुत मतलब बच्चों ने अच्छे से किया। सो यहाँ पे ना जो है बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, इनके लिए मैंने सॉन्ग्स वगैरह लगा दिए थे, बच्चों ने खूब मस्ती करी। बच्चों के लिए कभी कभी इस तरीके की एक्टिविटीज़ होना भी ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को हर चीज़ में तेज होना चाहिए। सो अब आगे आप जो है व्लॉग को इंजॉय कीजिए। I'm gonna let you go.
सो उसके बाद मैंने इनसे बोला यार थोड़ा सा जो है घर पे लाइट वगैरह लगा दो, क्योंकि फिर ये काम ना रह ही जाएगा, जो काम रह जाते हैं फिर वो रह ही जाते हैं, फिर वो लास्ट में बिल्कुल लाइट वगैरह लगाओ तो वो अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा पहले लगा दो तो सही लगता है। क्योंकि दिवाली का त्यौहार ना थोड़ा सा ऐसे ही होता है कि मतलब वही है कि ये रहता है कि बस यार फटाफट जल्दी जल्दी अपने सारे जो हैं काम ख़त्म हो, क्योंकि उसके बाद खुद भी जाना होता है इधर उधर और उसके बाद फिर सब लोग घर पर आते भी हैं, तो जो है मतलब बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है शेड्यूल। सो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिले। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।